और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि यहां सबको पता है कि बिहार विधानसभा से दो बार जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बीजेपी भी समर्थन में थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का भी समय नहीं है। ये तो नीतीश कुमार ही समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर देखते हैं तो लोगों से मिलने का समय, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का उनके पास समय नहीं है। नीतीश कुमार समझें कि उनके साथ ये क्यों किया जा रहा है और क्यों उन्हें समय नहीं दिया जा रहा। वो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलते हैं और जिस बिहार ने लोकसभा में 40 में से 39 सीट जीत कर दी, उसके लिए पीएम के पास टाइम ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि हम जातिवाद कर रहे हैं। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए उस बीमारी का पता करना जरूरी है, तभी इलाज हो पाएगा। ये पता होना चाहिए कि कौन इलाज करने वाला है, कौन ठेला चलाने वाला है और कौन मजदूर है। ये पता नहीं होगा तो उस हिसाब से कोई योजना नहीं बनाई जा सकती, इसलिए जातीय जनगणना की जरूरत है। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री को आज चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं। ये लड़ाई देश हित, राज्य हित और जनहित की है। दोनों जगह एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे 1 सप्ताह हो गया है, अब तक तो समय मिल जाना चाहिए था। और मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने 100 से भी ज्यादा ए लिस्ट सेलिब्रिटीज को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल है। साइबर सेल की डीसीपी रश्मि कारंजीकर ने बताया है कि इन लोगों ने अब तक 285 लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब इनमें मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी जांच चल रही है। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों के रूप में फर्जी अकाउंट बनाते थे और पुरुषों को लुभाया करते थे, जिनमें ज्यादातर हाई प्रोफाइल और अमीर लोग ही शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने 12 फर्जी अकाउंट और 6 फर्जी ईमेल आईडी बनाए थे, जिसका इस्तेमाल कर लोगों से दोस्ती की जाती थी। इन आरोपियों ने 100 से ज्यादा ए लिस्ट सेलिब्रिटीज को अपना निशाना बनाया है, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इस गिरोह ने महिला और पुरुष मॉडल्स को भी अपना निशाना बनाया और ये गिरोह ज्यादातर इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये लोग टारगेट को लुभाने का काम करते हैं। जांच के दौरान आरोपियों ने यह भी जानकारी दी कि ये लोग पहले उन वीडियो के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसे वसूलते हैं। फिर ये लोग ट्विटर पर डीएम के माध्यम से उन वीडियोस को बेचते हैं। और जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों ने पैसे के लेन देन के लिए नेपाल में स्थित एक बैंक में खाता खोल के रखा था और इस खाते का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के रडार से बचने के लिए ये लोग ब्लैकमेल कर मिले हुए पैसों को छिपाने के लिए नेपाल के बैंक का सहारा लेते थे। पुलिस ने अब नेपाल प्रशासन को इस बारे में बताया ताकि उस बैंक अकाउंट की डिटेल मिल सके। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जबरन जय श्री राम का नारा लगवाते हुए एक मुस्लिम ई रिक्शा चालक की कुछ लोगों द्वारा कथित पिटाई के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम रिक्शा चालक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो उसे कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने को कहते हैं। वीडियो में ई रिक्शा चालक की बच्ची हमलावरों के आगे अपने पिता को छोड़ देने की मिन्नतें करती और गिड़गिड़ाती नजर आई। बाद में कुछ पुलिसकर्मियों ने उस रिक्शा चालक को अपनी जीप में बिठाकर वहां से वो ले गए। फुटेज में यह भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भी हमलावर रिक्शा चालक को पीटते रहे। साथ ही कानपुर की पुलिस उपाध्यक्ष रवीना त्यागी ने बताया कि यह घटना बुधवार को कानपुर के बर्रा इलाके में रामगोपाल क्रॉसिंग के पास कच्ची बस्ती में घटित हुई है। साथ ही यह भी बताया गया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शामिल किसी भी संगठन या व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। वारदात के शिकार हुए ई रिक्शा चालक ने बताया कि बुधवार दोपहर करीबन 3 बजे कुछ लोग गाली गलौज करते हुए उसे मारने पीटने लगे। उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने हमलावरों के चंगुल से उसे बचाया और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पीड़ित रिक्शा चालक का रिश्तेदार उसे बहुसंख्यक पड़ोसियों के खिलाफ जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है और पिछले जुलाई में इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था।